ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर। 2 अक्टूबर को रेलवे में छुट्टी नहीं, स्वच्छता अभियान की वजह से छुट्टी रद्द। पीएम मोदी इसी दिन शुरू करेंगे यह अभियान। 2 अक्टूबर को रेलवे में छुट्टी नहीं होगी क्योंकि स्वच्छता अभियान के तहत छुट्टी रद्द है। प्रधानमंत्री मोदी इसी दिन शुरू करेंगे अभियान। बालकृष्ण हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। बालकृष्ण, पूरी खबर बताएं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री ने पहले से इस बात का ऐलान कर रखा है कि जो 2 तारीख है गांधी जयंती के दिन से वो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करना चाहते हैं बड़े पैमाने पे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन का ये कोई आयोजन होगा, लेकिन इस दिन से बड़े तौर पर शुरुआत करना चाहते हैं और सरकार कई फ्रंट पे इसको शुरू करना चाहती है। कई मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व होंगे, खासतौर पे जो मंत्रालय सीधे सफाई से जुड़े हुए हैं, जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय है, रेलवेज है, टूरिज्म है, शहरी विकास मंत्रालय है, इन लोगों को HRD मिनिस्ट्री है, इन लोगों को इन्वॉल्व करके एक बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। गांधी जयंती के दिन से इसकी शुरुआत होगी और इसके बाद किस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से लोगों में इसके बारे में जागरूकता लाई जाए, किस तरह से इस बात को प्रमोट किया जाए कि लोग देश को साफ सुथरा रखें और इसको साफ बनाने में मदद करें, इस अभियान की शुरुआत होगी 2 तारीख को। बड़े प्लान इसके लिए किए गए हैं। 2 तारीख के अगर आप रेलवे मिनिस्ट्री की बात करें तो रेलवे मिनिस्ट्री में सारी छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। 2 तारीख को कोई छुट्टी नहीं होगी। सारे ऑफिसर्स जो हैं वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से लेकर मंत्री से लेकर तमाम लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। इस अभियान में होगा क्या क्या होगा इस अभियान में? इस अभियान में अगर अपने रेल मंत्रालय की बात करें, हर मंत्रालय ने अपने अपने तरफ से प्लान किया है। कुछ मंत्रालय अभी भी काम कर रहे हैं, आज भी इसके बारे में बैठक बुलाई गई है। मंत्रालय में अगर आप अलग अलग मंत्रालय में जाकर देखें, मैंने कुछ मंत्रालय में जाकर देखा, बातचीत की कुछ अधिकारियों से, ये पता चला कि सब अपने अपने प्लान तैयार कर रहे हैं। अगर मैं आपको जैसे रेल मंत्रालय के बारे में बताऊं, सारे ऑफिसर से ये कहा गया है कि स्टेशन पर जाकर के, रेलवे के यार्ड में जाकर के, रेलवे की कॉलोनी में जाकर के वहां सफाई करें। जोर इस बात पर है कि वो खुद सफाई करें, ना कि सिर्फ सफाई का की मॉनिटरिंग करें। यानी आपको बड़े बड़े ऑफिसर्स, रेलवे बोर्ड के मेंबर्स, चेयरमैन, मंत्री ये झाड़ू लगाते हुए दिखेंगे गांधी जयंती के दिन। और सिर्फ ये रस्म अदायगी नहीं हो, खाना पूर्ति नहीं हो, इसके लिए इस बात का भी इंतजाम किया गया है कि जो सफाई होगी वो से पहले की वीडियो बनाई जाएगी और सफाई के बाद उसकी स्थिति कैसी बदली उसकी वीडियो बना के कर रेलवे मंत्रालय को सबमिट करना है, रेलवे मंत्रालय को भेजी जाएगी। जो तमाम ऑफिसर्स के लिए स्टेशन ऑलरेडी निर्धारित कर दिए गए हैं, लिस्ट और भी बनाई जा रही है कि कौन से ऑफिसर्स कहां पर झाड़ू लगाएंगे और श्रमदान करेंगे, और इस बात की व्यवस्था की गई है। एक ऑफिसर को तैनात किया गया रेलवे मिनिस्ट्री में, जो इस पूरी जो फीडबैक आएगा कहां कहां से किसने सफाई की, कहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग करेगा, इसके बारे में फीडबैक देगा। लेकिन कुछ लोग मायूस भी हैं क्योंकि एक लंबी छुट्टी का जो सिलसिला था 2 तारीख से शुरू होकर के ये करीब 5 दिनों की लगातार छुट्टियां पड़ रही थी। एक लंबा वीकेंड था, उसमें बहुत लोगों ने छुट्टियां का प्लान किया था, उन लोगों की मायूसी जरूर है। लेकिन इन सबके बीच जो है स्वच्छ भारत अभियान की बड़े तौर पर तैयारी की जा रही है। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम स्वच्छ MP की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी कुछ ही मिनट पहले उन्होंने ट्वीट किया है 25 सितंबर से, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, ये मध्य प्रदेश के MP ने कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब देश को गंदगी से आजाद कराने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के लिए चुना है गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर का दिन। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी कि इस बार 2 अक्टूबर केंद्र सरकार के दफ्तरों में कोई छुट्टी नहीं होगी, बल्कि हर दफ्तर स्वच्छ भारत की शपथ लेगा। आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ध्यान से देखें। देश में पहली बार गांधी जयंती पर सरकारी दफ्तरों में छुट्टी नहीं मनाई जाएगी। इस बार गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर को सरकार के हर मंत्रालय, दफ्तरों और प्रतिष्ठानों में चपरासी से लेकर सचिव तक अपने अपने ऑफिसों में स्वच्छ शपथ लेंगे। ये शपथ उनको मंत्रालय के वरिष्ठ अफसर दिलाएंगे। 2 अक्टूबर से पूरे देश में एक सफाई का अभियान प्रारंभ करना है। मैं स्वयं निकलने वाला हूं झाड़ू लगाने के लिए। मैं सारे देशवासियों को आग्रह करता हूं, जब दिवाली आती है तो हम कैसे महीने भर पहले से घर की सफाई में लग जाते हैं। आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, क्या ये भारत मां को गंदा रहना देना चाहिए?
ये भारत मां को गंदगी से मुक्त करना चाहिए। क्या ये जिम्मेवारी हम उठाएंगे, सारे देशवासी उठाएंगे? गांधी जयंती के दिन नहीं होगी सरकारी छुट्टी, सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे, सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को दफ्तर जाना होगा, दफ्तर में सबको लेनी होगी स्वच्छ शपथ, मोदी के स्वच्छ अभियान के तहत शपथ। 20 सितंबर को देश के कैबिनेट सचिव अजीत सेठ के आदेशों के तहत सभी सचिवों से कहा गया है कि अपने अपने मंत्रालय और संबंधित विभाग, बैंक और सरकारी प्रतिष्ठानों में काम करने वालों को स्वच्छ शपथ दिलाएं। कैबिनेट सचिव ने लिखा है कि जल्द ही सरकारी विभागों में स्वच्छ शपथ की पंक्तियां ईमेल से भेजी जाएंगी। आज तक को मिली प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन की रिपोर्ट जाहिर करती है कि देश में साफ सफाई के लिए मोदी कई ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कानून मंत्रालय से कहा है कि देश में साफ सफाई के लिए अगर जरूरी हो तो नए कानून बनाए जाएं, यानी आने वाले समय में गंदगी फैलाने वाले कानून के लपेटे में आ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि देश में प्रदूषण फैलाने वालों पर कोई न कोई टैक्स लगाने की नीति बनाई जाए। मोदी ने शहरों और कस्बों में दूध डेयरी और पशुपालन से फैलने वाली गंदगी के लिए नई नीति बनाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके तहत पशुओं के लिए कैटल हॉस्टल्स बनाने पर सरकार विचार कर रही है। स्वच्छ भारत को देश का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बनाने के लिए मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वो बॉलीवुड के कलाकारों की भी मदद लें। मोदी का मानना है कि बॉलीवुड के नामी गिरामी कलाकार इस अभियान को एक बड़े कैनवास पर उतार सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बॉलीवुड के हीरो हीरोइन के अलावा देश के नामचीन गायकों, गायिकाओं के अलावा कवियों और साहित्यकारों को भी इस अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल अमेरिका से लौटकर जब मोदी स्वच्छ भारत अभियान को खुद झाड़ू लगाकर शुरू करेंगे तो ये देखना होगा कि उनके पीछे देश कहां खड़ा है। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक।